हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखेंगे किस तरह से सेंटीमेंट बन रहा है, कैसे हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। मॉर्निंग में हमने कुछ सेंटीमेंट देखा हो था और आपके लिए वीडियो पोस्ट किया था कि मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। तो अगर आपने देखा होगा वीडियो तो डेफिनेटली आपको आज जो 1200 पॉइंट 1300 पॉइंट की मूव हुई थी उसमें से आपको कुछ ना कुछ तो आप लेके जाने वाले थे। तो अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ में नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, इसमें मैं अपने व्यूज़ को टाइम टाइम पे पोस्ट करता रहता हूँ। अब चलते हैं सीधे चार्ट पे। फ्रेंड, तो चार्ट की हम एनालिसिस कर रहे थे। मार्केट जो एक रेंज बनाया था जो कि 6 से एंट्री हुई थी, उसके बाद में 7-8, उसके बाद में 11-12। मार्केट धीरे धीरे करके लो लो बनाता हुआ चल रहा था, तो हम इसमें लगातार नीचे का ही ट्रेड देखने वाले थे। अब हमारे लिए जो नेक्स्ट जोन था 71,000 से नीचे निकलता है तो मार्केट 70,500, उसके बाद में 70,000। इसने लो लगाया है 70,200 के आसपास, 300 के आसपास। तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट आ चुका है वीकली टाइम फ्रेम का, जो हमने वीकली एनालिसिस किया था उस बेस पे अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट इसने दे दिया है। अब इसके लिए जो ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये अब इसके लिए सपोर्ट हुआ करता है, ये अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि 71,500 था, उसके बाद में 71,000। अब नीचे मार्केट के लिए 70,500 का लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस का जोन का काम करने वाला। और ओवरऑल जो इस जोन में एंट्री किया है, एंट्री पॉइंट के लिए अब इसके लिए 70,000 लगभग लगभग इसने टच कर दिया। अगर इस जोन पे क्लोजिंग होती है तो हमें एक नया लो और देखने को मिल सकता है, लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है तो आपको ये प्लान करके देखना होगा। अगर आपने यहाँ रैली को एंजॉय किया है, डाउन साइड जो हमारी एनालिसिस लगातार चल रही थी, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपने आज कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट किया होगा। प्रॉफिट किया है तो एक बार वीडियो को ज़रूर अपने कम्युनिटी चैनल के साथ शेयर करिए और साथ में लाइक करना मत भूलिए। अब साथ में फ्रेंड्स, अगर हम फर्दर एक स्टेप और चलते हैं, कन्फर्मेशन जो हम करते हैं वो हमारा रहता है 4 आवर सेटअप। 4 आवर सेटअप में अगर फ्रेंड्स हम देखने की कोशिश करें तो मार्केट काफ़ी अच्छे मूड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ी कैंडल्स, अब 4 घंटे का पॉज, फिर नेक्स्ट उसका ब्रेकडाउन, मतलब जो हमारा एनालिसिस थी, अब फिर नीचे। इनकेस यहाँ थोड़ा और टाइम बिताता, उसके बाद एक नया लो। अगर इस लो को ब्रेक करता है तो फिर बड़े मूव आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से मार्केट 7,000 पॉइंट ऊपर गया था, तो ये आपको ध्यान में रख के और प्लानिंग के साथ में देखना होगा। प्लानिंग का मतलब होता है आपको स्टॉप लॉस को इस बेस से प्लान करना होगा कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाए तो एटलीस्ट आपके फेवर में जो अभी तक आपने रैली एंजॉय किया है उसमें से लॉस ना हो। रिस्क लेना बनता है, लेकिन रिस्क अपने प्रॉफिट से लीजिए तो बहुत अच्छे रिटर्न आप ले सकते हैं। अब यहाँ हम ज़्यादा एनालिसिस में कुछ है नहीं, मार्केट 70,000 के आसपास बना हुआ है, 70,000 हमारे लिए सपोर्ट बना हुआ है, ऊपर ये जोन हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट लेवल है। अब इस जोन में क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हमें एक नया लो देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसमें बाई करके लेके चले जाएं कि हमें एक नया लो बनेगा, क्योंकि यहाँ मार्केट स्ट्रांग जोन पे आ गया है। 71,500 थोड़ा जोन था लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं था, ये जोन बहुत ही स्ट्रांग है। बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनी, मतलब यहाँ बहुत ही बायर्स और सेलर का एक्युमुलेशन हुआ है। अब इसका रिजल्ट आने का टाइम है। एक बार रिजल्ट आया था ऊपर गया, तो सेकंड टाइम मार्केट आया है, तो अगर यहाँ पे मार्केट के पास पावर है नीचे जाने की, अगर इसको ब्रेक करता है 70,000 को, तो आपके लिए फिर नीचे 67,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, 68,000 का लेवल। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें रेडी रहना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आज ही पूरी बाइंग अपॉर्चुनिटी कर लें कि मार्केट डाउन साइड जाने वाला है, फिर हमें लॉस होने के चांसेस भी रह सकते हैं अगर यहाँ से रिवर्सल आया, क्योंकि मार्केट साइकोलॉजी डिपेंड होता है और साइकोलॉजी कब किसकी कहाँ पे चेंज हो रही है ये इंपॉर्टेंट है। तो हम जस्ट रेंज बाउंड है, जो ये रेंज है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इस रेंज को फर्दर ब्रेक नहीं करता, हम नए अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं देखने वाले हैं। मार्केट में अभी हम बने हुए हैं, हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए हम जस्ट इंजॉय करेंगे। ये सारे लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट आप देखेंगे ऊपर से जब नीचे आया था इसी ने लोका, दोबारा इसके बाद जितनी पावर थी ये ऊपर लेके गया, अब फर्दर इसी लेवल पे आके बना हुआ है, तो अल्टीमेटली बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन पे है, तो इस सपोर्ट जोन को आपको देखना होगा। अब यहाँ पे डबल टॉप बना के नीचे आया था कि आया डबल टॉप बॉटम बना के ऊपर जाएगा, ये भी डिपेंड करता है। इसके लिए मार्केट को 2-3 दिनों तक इसमें ट्रेड करेगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज होगा। अगर इसमें चेंज नहीं होना है तो मार्केट यहाँ से डाउन मूव फर्दर कंटिन्यू रखेगा। देखते हैं फ्रेंड्स क्या रहता है। ओवरऑल हमारे टारगेट हिट हुए हैं, जो कि लगभग 1200 से 1500 पॉइंट अगर आप देखेंगे, तो आपने अगर प्रॉफिट रन किया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।